पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत ने आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित चार अन्य दोषियों को रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में मुख्य दोषी गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए, जबकि अन्य दोषी प्रत्यक्ष रूप से सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। पंचकुला पुलिस द्वारा शहर में 17 पुलिस नाके लगाए गए हैं, जिसमें 700 जवानों की तैनाती की गई है। पीड़ित पक्ष के वकील आरएस बैंस ने बताया कि गुरमीत राम रहीम सहित चार अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आज सजा सुनानी थी क्योंकि उन्हें मुझे कन्विक्ट पिछले हफ्ते घोषित कर दिया गया था, तो आज जो सजा दी है पांचों के पांचों मुजरिमों को उम्र कैद दी है। और बाबा राम रहीम सिंह को 30 लाख प्लस 1 लाख 31 लाख का जुर्माना दिया है, जो कि उसमें आधा कॉम्पनसेशन जाएगा विक्टिम परिवार को, बाकी भी विक्टिम परिवार को ही आएगा। तो बाकी जो चार मुजरिम हैं उनको भी उम्र कैदी हुई है, मगर उनको जो जुर्माना है वो 50,000 दो जगह 50,000 1-1 लाख सबको देना पड़ेगा। तो ये सजा ये एक्सपेक्टेड ही थी, हालांकि सीबीआई तो कहती थी कि ये तीसरा क्राइम है तो उसमें मौत सजाए मौत दी जा सकती है। तो दूसरे पक्ष ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो समाज के लिए खतरा नहीं है, 2002 के बाद कोई 19 साल तक कोई और क्राइम नहीं किया, तो इसलिए लगता है कि जज साहब ने वो दलील को मान लिया है तो उन्हें उम्र कैद दी है। मृतक सेवादार रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने कहा कि मैं इस फैसले से संतुष्ट हूँ। जुडिशरी का इंसाफ है, उन्होंने हमें इंसाफ दिया, हम खुश नहीं। देखो मन में डर तो रहता ही है, देखो अब ऐसे किसी आदमी का क्या भरोसा है, किसी का जो पहले नहीं जिसने इतना सोचा अब क्या सोचेगा कोई। टेंस था और बैठा था आराम से अपना सिर झुकाए, उनकी अगर वो होते तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उनकी आत्मा को और शांति मिलती मिलेगी। आज चलो वो है नहीं है यहाँ इस दुनिया में, चलो उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, अगर वो होते कि अपने बेटे को इंसाफ पता दे के बहुत खुश।